लाइव टीवी मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो वक्त हो चला है जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए नजर डालते हैं। लखनऊ में कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में 31 केस पॉजिटिव, अब तक 68 संक्रमित। जी हाँ, चीन से निकलने के बाद महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने में तबलीगी जमात से लौटे लोग मानव बम साबित हो रहे हैं। लॉकडाउन और हॉटस्पॉट जोन बनाने के बाद भी राजधानी से एक के बाद एक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि बुधवार को जारी रिपोर्ट में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह के मुताबिक 9 वर्ष की बच्ची समेत एक साथ 31 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, अधिकतर सदर के बता रहे हैं। अब तक लखनऊ के संक्रमित मरीजों की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा 19 तबलीगी जमात के पॉजिटिव पाए गए हैं जो सहारनपुर के हैं। लखनऊ में भर्ती अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 पहुँच गई है। साथ ही अगली खबर आ रही है, जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की लंबी लड़ाई के दूसरे पड़ाव के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। जी हां, आगरा में लागू योगी मॉडल को मिल रही प्रशंसा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 भी बेहद सख्ती से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश की लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की कार्यवाही को 3 मई तक बढ़ा दिया है। उनका यह फैसला भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य व सुरक्षित भविष्य के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन के साथ हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होने के बाद भी लखनऊ में बस धड़ल्ले से चल रही है। जी हां, बाराबंकी में मीट फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी चल रहा है। इसी बीच लखनऊ में पुलिस की सक्रियता से फैक्ट्री में काम करने जा रही 8 महिलाओं के साथ बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले, बस में लखनऊ के डीएम के फर्जी हस्ताक्षर वाला पास भी लगा था। जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लखनऊ तथा पड़ोसी जिले बाराबंकी में लॉकडाउन के बीच में भी फर्जीवाड़ा जारी है। लखनऊ के इंदिरा नगर में सोमवार को 6 क्विंटल मांस लदी गाड़ी के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर बड़ा मामला सामने आया। लॉकडाउन के बावजूद बाराबंकी में भी अमरून मीट फैक्ट्री में से मांस सप्लाई किया जा रहा है। सोमवार रात मड़ियाओ पुलिस ने थाने से चंद कदम की दूरी पर ओवरब्रिज के नीचे फैक्ट्री की बस में बैठे जा रही 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके बाद बस को सीज करते हुए चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, तब इस बात का खुलासा हुआ। साथ ही अगली खबर आ रही है जनपद हरदोई से, जहां जमाती की सूचना छिपाने के मामले में 3 के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बिजनौर के कोरोना संक्रमित जमाती ताजुद्दीन को हुसैनिया मस्जिद में ठहराया गया था। बिहानी कोतवाल सूर्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि हाजी सलीम लतीफ डॉक्टर अंदर को यह जानकारी भली प्रकार से थी कि जमाती दिल्ली से लौटा और संक्रमित हो सकता है, लेकिन उक्त तीनों आरोपितों ने बिना पुलिस को सूचना दिए 17 मार्च से 28 मार्च तक ताजुद्दीन को रोके रखा। सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाजी सलीम लतीफ और डॉक्टर अनवर के खिलाफ धारा 188 में मुकदमा पंजीकृत कराया। कोतवाल ने बताया कि पिहानी के कुछ अन्य लोगों के बाबत पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि जिनका ताल्लुक दिल्ली के मरकज से है, इस तरह के लोग खुद कोतवाली आकर सूचना दे दें तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, केवल उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, अन्यथा प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। साथ ही खबर आ रही है, सपा अध्यक्ष के ट्वीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, अखिलेश जी अनपढ़ों की तरह बात मत करें। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में बने हालात पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़े है। मुंबई में हजारों लोगों के सड़कों पर उतर आने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर वार किया, तो भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर अनपढ़ों जैसी बातें ना करने और राजनीति छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ सहभागी बनने की सलाह दे डाली। दरअसल मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर अपने घर लौटने की मांग करते हुए हजारों लोग जमा हो गए, जिससे लॉकडाउन का अनुशासन ही ध्वस्त हो गया। इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकारों को घेरने की कोशिश में ट्वीट के जरिए तंज किया। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए 24/7 लाइव।